हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी जो कि आपके ईपीएफओ सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये पूछे गए हैं आपके नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डिफरेंट एग्ज़ाम्स में। तो आज की वीडियो में मैं यही इन डेप्थ में आपसे डिस्कस करूँगा और बताऊँगा कि कैसे आपको बायोलॉजी के इन क्वेश्चन को आंसर करना है जिनसे आप अच्छे से सेलेक्शन ले पाए अपने ईपीएफओ सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जाम के लिए। अब इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्लड सेल मेड बाय द बोन मैरो। मतलब क्या है कि बोन मैरो से ऐसा कौन सा ब्लड सेल है जो कि नहीं बनाया जाता। उसका आंसर है आपका ऑस्टियोक्लास्ट। जी हाँ, ऑस्टियोक्लास्ट कुछ ऐसे टाइप का ब्लड सेल्स होते हैं जो कि बोन मैरो से नहीं बनाए जाते। ऑस्टियोक्लास्ट की स्पेलिंग क्या होगी, OSTEOCLAST। ऑस्टियोक्लास्ट आर द टाइप ऑफ ब्लड सेल विच आर नॉट मेड बाय द बोन मैरो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिम्फ इज अ लाइट क्लियर फ्लूइड मेड अप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स दैट अटैक हार्मफुल डैश इन द ब्लड। ये हार्मफुल के बाद डैश है आपका, हार्मफुल डैश क्या होगा, लिम्फ किसको अटैक करते हैं, वो करते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया को। ठीक है, बैक्टीरिया BACTERIA। मतलब क्या है, लिम्फ इज अ clear fluid made up of white blood cells that attack harmful bacteria in the blood। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्ज बीन शेप्ड लिम्फॉइड ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। अब इसका आंसर है आपका स्प्लीन। स्प्लीन की स्पेलिंग है SPLEEN। जी हाँ, स्प्लीन है इज अ टाइप ऑफ अ लार्ज बीन शेप्ड लिम्फॉइड ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। और उसके बाद ये क्या क्या स्टोर करता है आपका स्प्लीन, आपका एरेथ्रोसाइट्स ERTHROCYTES एरेथ्रोसाइट्स ये स्टोर करता है आपका, लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स। ये सारा आपका जो है लिम्फ स्प्लीन स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्लड प्रेशर इज करेक्ट। मतलब क्या है, हमारा जो ह्यूमन बॉडी का ब्लड प्रेशर है वो एक्चुअल में कितना होता है। अब देखिए, एक्चुअल में अगर मैं बात करूं 120 mmHg होता है ऊपर की तरफ। ठीक है, और उसके बाद जिसको आपका सिस्टोलिक प्रेशर भी कहते हैं, और 80 mm होता है आपका डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है आपको, 120 एंड 80 mm सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, swollen bluish veins resulting from walls that do not close properly are called। इसके बाद इसका आंसर है आपका वेरिकोज वेन्स। वेरिकोज की स्पेलिंग VARICOSE। वेरिकोज वेन्स रिजल्टिंग फ्रॉम वॉल्स दैट डू नॉट क्लोज प्रॉपरली। ठीक है, वेरिकोज वेन्स कहते हैं उसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रोकोडाइल्स हैव डैश हार्ट चेम्बर्स। क्रोकोडाइल के पास कितने हार्ट चेम्बर्स होते हैं, वो है आपका 4। क्रोकोडाइल के पास 4 हार्ट चेम्बर्स होते हैं। और उसके बाद ये नेक्स्ट है आपका, एम्फीबियंस के पास आपका 3 हार्ट चेम्बर होता है। फिशेस के पास आपका 2 हार्ट चेम्बर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अ हेल्दी इंडिविजुअल हैज़ 12 to 16 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी डैश ml ऑफ ब्लड। मतलब क्या है कि एक हेल्दी इंडिविजुअल के पास 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। कितने ml ब्लड में, वो है आपका 100 ml में। 100 ml ब्लड में आपका 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज द यूनिवर्सल रिसीवर। यूनिवर्सल रिसीवर कौन सा है, वो है आपका AB पॉजिटिव। AB पॉजिटिव को यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द किडनीज। मतलब क्या है, हार्ट से किडनी पे कौन ब्लड कैरी करता है आपका, वो है आपका रीनल आर्टरीज। रीनल आर्टरीज जो है आपकी, जो आपका ब्लड जो है वो कैरी करती हैं हार्ट से किडनी की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीनल आर्टरीज अगर कैसे लिखेंगे, RENAL रीनल ARTERY आर्टरी। रीनल आर्टरी जो है ब्लड को हार्ट से किडनी में ट्रैवल कराती हैं। नेक्स्ट है आपका, सिनोआर्टियल नोड इज लोकेटेड इन द सीनल। और सिनोआर्टियल लोकेटेड होती हैं आपकी हार्ट में। ठीक है, सिनोआर्टियल नोड इज लोकेटेड इन हार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट है आपका, इसका आंसर है बोन मैरो। बोन मैरो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, बोन मैरो BANEMA MARROW बोन मैरो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आपका रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु परफॉर्म द टास्क ऑफ कैप्चरिंग ऑक्सीजन इन द ब्लड, आपका है इसका आंसर हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन HEMO HEMOGLOBIN हीमोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैप्चरिंग ऑक्सीजन इन द ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग बॉम्बे ब्लड ग्रुप। अब बॉम्बे ब्लड ग्रुप और या फिर H/H एक रेयर ब्लड ग्रुप फिनोटाइप होता है जिसमें H एंटीजन जो है लैक होता है, ठीक है। फिर इसका होगा अ पर्सन विद दिस ब्लड ग्रुप में रिसीव ब्लड ओनली फ्रॉम अ पर्सन विद O ब्लड ग्रुप, ठीक है। मतलब क्या है, ये वाले जो ब्लड ग्रुप वाले हैं सिर्फ O ब्लड ग्रुप वाले से ही रिसीव कर सकते हैं ब्लड। नेक्स्ट है आपका द ब्लड वेसल दैट कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब क्या है, ऐसा ब्लड वेसल जो अभी आपने जो देखा था वो हार्ट टू किडनी था, और हार्ट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी कौन होते हैं, वो होते हैं आर्टरीज। आर्टरीज कैरी कराती हैं ब्लड जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम हार्ट। नेक्स्ट है आपका ब्लड क्लॉट इज फाउंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सर्टन सेल्स इन प्रेजेंस ऑफ ब्लड। मतलब क्या है, किसकी वजह से आपका जो है ब्लड क्लॉट होता है ब्लड में, वो है आपका प्लेटलेट्स PLATELETS प्लेटलेट्स की वजह से आपका ब्लड क्लॉट होता है ब्लड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड फाइट्स अगेंस्ट द जर्म्स एंटरिंग इनटू द ह्यूमन बॉडी। मतलब क्या है, ऐसा कौन सा ब्लड का कॉम्पोनेंट है जो कि जर्म से फाइट करता है जब वो एंटर करते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में। इसका आंसर है WBC व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स फाइट अगेंस्ट द जर्म्स एंटरिंग इनटू द ह्यूमन बॉडी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ टू चेम्बर्ड हार्ट। मतलब अभी अगर आपने ध्यान से सुना हो तो टू चेम्बर्ड हार्ट कौन से होते हैं, वो होते हैं फिशेस के। फिशेस के टू चेम्बर्ड हार्ट्स होते हैं, ठीक है। और वहीं नेक्स्ट मैं बात करूं एम्फीबियंस के कितने हार्ट होते हैं चेम्बर्स, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के 3 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं, ठीक है। 3 चेम्बर्ड हार्ट ऑफ एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, और उसके बाद 2 चेम्बर्ड हार्ट ऑफ फिशेस। और मैमल्स के कितने होते हैं, मैमल्स के आपके 4 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं, और सेम विद बर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डैश कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। लंग्स से हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लाता है, वो है आपका लेफ्ट आट्रियम। अब गाइज ये पहले ये याद रखना, देखो ब्लड का पूरा मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सा ऑर्गन जो है हार्ट से किडनी को ले जाता है ब्लड को, और फिर उसके बाद कौन सा हार्ट से डिफरेंट पार्ट को ले जाता है, और अब हम लंग्स टू हार्ट कर रहे हैं, कौन सा ऑर्गन जो है ब्लड को कैरी करता है, वो है आपका लेफ्ट आर्टियम। LEFT लेफ्ट हो गया आपका, आर्टियम है ATRIUM आर्ट्रियम। लेफ्ट आर्ट्रियम कैरीज ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वॉल्व ऑफ द हार्ट। मतलब क्या है, कौन सा वॉल्व ऑफ द हार्ट नहीं है, इसका आंसर है आपका सेप्टम। सेप्टम SEPTUM सेप्टम इज नॉट अ वॉल्व ऑफ द हार्ट। मतलब सेप्टम क्या है, फिर सेप्टम एक कार्टिलेज है जो कि नोज में प्रेजेंट है, और मतलब आप ऐसे जो नाक में ये जो बीच में जो सेपरेट करता है ना, वो उसको कहते हैं सेप्टम। नॉस्ट्रिल्स को जो सेपरेट करता है, जो कान के 2 छेद होते हैं उसके बीच में ये जो हमारा इन दोनों छेदों को सेपरेट करता है उसको सेप्टम कहते हैं, ठीक है। और वहीं सेप्टम वॉल्व ऑफ हार्ट कौन कौन से हैं, और वहीं मैं बात करूं मिट्रल MITRAL मिट्रल जो है एक वॉल्व है। नेक्स्ट आपका है AORTIC आयोटिक है इसमें, और फिर उसके बाद ट्राइकस्पिड भी आपका एक आर्टरी है, एक वॉल्व है हार्ट की, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 21 विच सेल्स इन आर बॉडी आर पॉपुलरली कॉल्ड एज सोल्जर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब सोल्जर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी कौन से हैं, वो वाइट ब्लड सेल्स हैं। जी हाँ, वाइट ब्लड सेल्स को आपका सोल्जर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज रिड्यूसेज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। मतलब क्या है, जैसा हम सब जानते हैं कि ब्लड जो है ऑक्सीजन कैरी करता है, तो ऐसी कौन सी गैस है जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कैपेसिटी कम हो जाती है कैरी करने की ब्लड के साथ, वो है कार्बन मोनोक्साइड। CO जो है कार्बन मोनोक्साइड इट्स गेट डिपॉजिटेड इन द हीमोग्लोबिन ऑफ द रेड ब्लड सेल एंड प्रिवेंट्स प्रॉपर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। मतलब क्या है, कार्बन मोनोक्साइड हमारे हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स हो जाता है जिसकी वजह से वो हीमोग्लोबिन जो है कैरी नहीं कर पाता ऑक्सीजन को ब्लड के साथ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ये THE है, द यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप है आपका। अगर आपने ध्यान से सुना हो, मैंने इसे थोड़ी देर पहले भी बताया, तो AB ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन है आपका द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कोएगुलेशन, COAGULATION, कोएगुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। तो गाइस ये हो गए 24 क्वेश्चन जो कि आपके बायोलॉजी के फ्रॉम द चैप्टर सर्कुलेशन से इम्पॉर्टेंट हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं कहीं ना कहीं, चाहे वो आपका SSC का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका, ये हो गए अराउंड 24 क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए, अगर आप सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट या फिर कोई सा भी एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी जनरल स्टडीज़ के टॉपिक के रिगार्ड में मिलेंगे गाइस, और मैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि आपके इस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ के रिगार्ड में और वीडियोस देखने के लिए। ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।